अब ये छोटी छोटी बनाऊंगा। हाँ, अब ये है एक्सट्रैक्ट पर आधारित क्वेश्चन आंसर, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं जो आपके वर्कबुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है, वहीं उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया, कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचाए। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई, मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें वक्ता कौन है, कौन किससे किससे के बारे में बता रहा है, कौन किस। अब क्वेश्चन है इसमें नंबर वन, कौन किसके घर गई थी और क्यों। तो इसमें माँ जो है वो कुमार के घर गई थी, किसी काम से गई थी। उसमें चैप्टर में ये नहीं वर्णन किया गया है कि वो किस काम से कुमार के घर गई थी, वो किसी पड़ोसी के घर गई थी और वहीं पर उनको मिश्रानी ने ये बताया था कि आपका बेटा बहुत बीमार रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहां उसे किसने बताया, किसने यानी कि मिश्रानी, वहां उन्हें मिश्रानी ने बताया कि आपका बेटा बहुत बीमार रहा है, उसको हैजा हो गया था, मरकर बचा है। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता था, बक्ता उससे क्यों नहीं मिलने जाता था। बक्ता इसमें माँ है, तो अविनाश, अविनाश बड़ा बेटा है। अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए वह परिवार से अलग रहता था। बक्ता, बक्ता कौन है, माँ। माँ को इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि बक्ता माँ संस्कारों से बंधी है, पुराने रीति रिवाजों वाली महिला थी, इसलिए वह अविनाश के घर नहीं जाती थी। अब है क्वेश्चन नंबर घा, वे बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे। पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आंसर देखिए, वे शब्द अविनाश के पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है, वे बड़े निर्मम व्यक्ति थे, मतलब उनके अंदर दया रहम बिल्कुल नहीं था, ना बच्चों से ममता थी। बचपन में अतुल के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अतुल जब छोटा था तो बीमार हो गया था एक बार, इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और वे उसे बड़े शांत मन से धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे, उसकी दशा से जरा से भी दुखी नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को धरती पर लिटाया जाता है, तो वो बीमार ही था और इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि वो उसको और कुछ करने के अलावा, उसकी सेवा करने के अलावा, और उसको उसके मरने की तैयारी कर रहे थे, वो इतने ज्यादा निर्मम थे, उनके अंदर जरा सी भी बच्चों से प्यार नहीं था, ममता नहीं थी। आगे देखिए, एक्सट्रैक्ट नंबर टू, अपराध किस और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, परिचय दीजिए। देखिए आंसर, वक्ता माँ है और श्रोता उनकी बहू उमा है। माँ ममतामयी व दयावान स्त्री है, परंतु संस्कारशील भी है। उमा अपनी सास और पति से बेहद प्यार करती है, वह धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली आदर्श महिला है, भाभी के प्रति भी आदर का भाव रखती है। इसमें जो है क्वेश्चन आपके एकांकी में पहले दो क्वेश्चन दो दो नंबर के आते हैं, तो आपको दो दो नंबर के हिसाब से लिखने होंगे, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, तो वो आपको 3-3 नंबर के हिसाब से लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, बक्ता आपने किस अपराध की ओर संकेत कर रहा है। बक्ता जब बीमारी में अपने बेटे अविनाश के पास नहीं थी, उसको अपना अपराध मान रही है कि मैं मतलब बीमार इतना रहा बच्चा और मैं बच्चे के पास नहीं थी, क्योंकि वह संस्कारों की दास्ता में जकड़ी हुई थी और उनके घर नहीं जाती थी, इसलिए बेटे के बीमार होने का पता नहीं चला। क्वेश्चन नंबर का देखिए, सब वक्ता को किस बात के लिए दोष देते थे। आंसर है, सब वक्ता को उनके प्राचीन रीति रिवाजों के कारण दोष देते थे, क्योंकि वह संक्रांति काल की महिला थी। संक्रांति कहते हैं कि ऐसा काल के जो एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में पहुंचने का काल कहलाता है, संक्रांति काल, क्योंकि वह विजातीय स्त्री से विवाह उचित नहीं समझती थी और संस्कारों में बंधी हुई थी। क्वेश्चन नंबर घा है, मिश्रानी ने बक्ता को किसके बारे में बताया। मिश्रानी ने बक्ता को अपने बेटे अविनाश की बीमारी के बारे में बताया कि आपका बेटा हैजे से पीड़ित रहा था और मरकर बचा है, और उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की है।